दोस्तों आज के वीडियो में सीखेंगे 26 साइज का शॉर्ट कटिंग, बिल्कुल आप एक ही वीडियो से सीख जाओगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुदाम और आप देख रहे हो आर एस फैशन डिजाइनर बुटीक। तो चलिए शॉर्ट का कटिंग जो है बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। तो ये देखिए, ये लंबाई जो है मेरा, ये लंबाई रहा 22, ये चेस्ट रहा 26, और ये पेट रहा, ठीक है, 24, और ये शोल्डर रहा 13, और ये स्लीव्स यानी कि बाजू का लंबाई रहा 19.5, और ये कॉलर रहा 11.5। चलिए कटिंग को अब स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको हमने साइड में रख दिया, और काफ़ी आसान तरीका है। सबसे पहले नीचे से एक सीधा मार्कर लगाएंगे, ये देखिए। इसके बाद एक और मार्कर जो हम लगाएंगे दोस्त, वो लगाएंगे चाइनीज है ना, तो चाइनीज फोल्ड के लिए नीचे से हम 1.5 इंच भी एक मार्कर लगाएंगे, ठीक है, 1 इंच में 2 सूत कम, उसी को 1.5 इंच बोलते हैं। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद लंबाई का एक मार्कर लगाएंगे, तो लंबाई के मार्कर ये नीचे वाला जो मार्कर दिख रहा है इस पे रखेंगे इस तरीके से, और इसका लंबाई जो है 22 है, ठीक है, 22। इसके बाद 1/2 इंच में ऐड करेंगे सिलाई होता है ना शोल्डर, इसके लिए इसको क्या करेंगे दोस्त, इसको अब इस तरीके से सीधा एक मार्कर लगाएंगे। ये देखिए ये बिल्कुल सीधा मार्कर हो गया। इसके बाद इसमें जो हम शोल्डर डाउन करेंगे वो करेंगे 1.5 इंच, तो ये 1.5 इंच का इस तरीके से एक मार्कर लगा लेना है। ये 1.5 इंची का मेरा मार्कर कंप्लीट हो गया। इधर से इस साइड से अब 2 इंची के एक मार्कर लगा ले, ये देखिए 2 इंची का मार्कर कंप्लीट हो गया। अब इस मार्कर को इस तरीके से सीधा निशान लगा देंगे। यहाँ से ऊपर वाले इंची टेप से इस तरीके से लगेंगे। ये देखिए लंबाई रहा मेरा 22.5, 22 लंबाई रहा, 1/2 इंच शोल्डर से लाता है, और ये चाइनीज फोल्ड जो मुराता है ना, तो इसके लिए 1/2 इंच हमने नीचे एक मार्कर लगाया। अब मार्कर लगाएंगे चेस्ट का, तो इसका चेस्ट जो है दोस्त 26 है, 26 का 4 से आप हाफ करोगे तो ये देखिए 6.5 आएगा, ठीक है, 6.5। तो बच्चा है, बच्चा में जो है माइनस करते हो तो दिक्कत होने लगता है, ठीक है, तो इसमें हम माइनस नहीं करेंगे, जितना आएगा उतना हम परफेक्ट मार्का लगा देंगे, ये स्कूल ड्रेस है। तो बच्चे में ये फॉर्मूला यूज़ करना है, सियाने में 1/2 इंची माइनस कर लेना है चेस्ट में ऊपर की तरफ, यानी कि जो आर्म होल का झोल होता है वो ज़्यादा नीचे की तरफ ना हो। अब इसको क्या करेंगे, इसको सिंपल से स्ट्रेट इस तरीके से एक मार्का लगा लेंगे। इसके बाद पेट का मार्का लगाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल फिटिंग है, तो पेट का मार्कर किस तरीके से लगाएंगे, देखिए ये दोनों लंबाई का 50-50 करेंगे, तो 22 लंबाई है तो 22 का 11.5 आएगा। ये देखिए 11.5 में हम 2 इंची प्लस करेंगे, तो ये 13.5 इस तरीके से आ जाएगा। आप इसी तरीके से लंबाई ले सकते हो, या सियाने में जो है जो पेट का मार्कर आता है वो 16-17, 16.5-15 के बीच में ही आता है, परफेक्ट। अब इस मार्कर को भी इस तरीके से सीधा एक मार्कर लगा देंगे। वीडियो हल्की लंबी हो सकती है, बट एक वीडियो से आप अच्छे तरीके से शॉर्ट कटिंग करना सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चेस्ट इसका 26 है, तो ये देखिए 6.5 आएगा इसका चौथाई भाग, चौथाई भाग पे इस तरीके से मार्कर लगा लेना है। फिटिंग के लिए इसमें हम 7.5 इंच का लूजिंग देते हैं, मीडियम लूज के लिए 1.5 इंच का लूज देते हैं, ठीक है। इसमें सिलाई का मार्जिन दे के हम कटिंग कर लेते हैं, तो ये रहा मेरा। इसके बाद पेट जो है इसका 24 है, ओके, पेट 24 है, तो इसका चौथाई भाग करेंगे तो 6 आएगा इस तरीके से, ये मार्कर लगा दिए। इसके बाद यहाँ भी 1.5 इंची का इस तरीके से लूजिंग दे देंगे। इसके बाद अगर हिप का मेजरमेंट किए हैं तो सेम इसी तरीके से मार्कर लगा लेंगे। अगर हिप का मेजरमेंट नहीं किए हैं तो ये पूरा देखिए चेस्ट कितना रहा है, 8 आ रहा है, यही 8 इंची जो है यहाँ हिप के पास लगा लीजिए। अब सियाने का शॉर्ट में आप हिप का मेजरमेंट ज़रूर लेना। इसके बाद आते हैं शोल्डर यानी कि तीरे पे, तो इसका जो तीरा है दोस्त, ये देखिए 13 है, तो 13 का 6.5 आधा होता है, तो 6.5 पे इस तरीके से मार्कर लगा लें।
इसमें सिलाई के मार्जिन आप आधा इंच भी ले सकते हैं या आधा इंच से एक सूत कम भी ले सकते हैं, ठीक है। आप कितना सिलाई में कपड़ा मार्जिन देते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद यहाँ से ये देखिए, सियाने में अगर 1.5 इंच आगे की तरफ आपने मार्जिन लिया है तो 1.5 इंच पीछे की तरफ इस तरह का मार्का लगा लें, बट ये बच्चा है तो इसमें हम 1 इंच का ही इस तरीके से मैनेज करेंगे। और ये रहा मेरा सेब स्केल, सेब स्केल से इस तरीके से निशान को लगा लेंगे, ठीक है। इस निशान को लगाने के बाद आप इसको इस तरीके से आर्म होल लगा सकते हो। इसके बाद आते हैं कॉलर पे, तो इसका कॉलर जो है 11.5 है, तो आप पूरा पूरी हिसाब करने के लिए या तो आधा इंच इसको बढ़ा लें या कम कर लें, या इतना ही कटिंग करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम मेजरमेंट किए हैं तो 5 से भाग देंगे, आप मेजरमेंट कॉलर नहीं किए हैं तो सीने के हिसाब से 12 भाग देते हैं, ओके। तो 12 है तो मान लीजिए 5 से भाग देंगे, लगभग इसको 2 इंच, 2 इंच आएगा, तो 2 इंच भी इस तरीके से मार्का लगा लेते हैं। कभी भी कम ही मार्का लगाएं, ज़्यादा न लगाएं, यानी कि कॉलर से हालर आप कम कटिंग करोगे तो अच्छे तरीके से बैठेगा, नहीं तो ज़्यादा कटिंग होने पर हालर बेकार हो जाएगा, वो नहीं बैठेगा, ठीक है। अगर हालर कम कटिंग करोगे तो सिलाई के समय इसको बढ़ा सकते हो, बट ये बढ़ गया तो सिलाई के समय इसको कम नहीं कर सकते हो, बेकार हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे साइड से, तो इसको इस तरीके से ये तीनों मार्कर को मिलाते हुए इस तरीके से हम जहाँ से बैठेगा वहाँ से इस तरीके से मार्कर लगा लेंगे। ये देखिए कंप्लीट हो गया। और ये जो है चाइनीज़ है तो ये नीचे वाले से इस तरीके से 2 इंच या 1.5 इंच पर इस तरीके से एक मार्कर लगा लें, और इसको इस तरीके से नीचे वाले से डॉट डॉट करके ऐसे ले जाओ, और इसको इस तरीके से चाइनीज फोल्ड कर लो, ये कटिंग हो जाएगा इस पर। देख लिया आपने किस तरीके से ये पूरा टोटल मार्का लगा है, तो सेम इसी तरीके से आप भी कटिंग करना चाहते हैं तो कटिंग करें। ऊपर से इस तरीके से हल्का एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, फिर नीचे से इस तरीके से एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। ये आप ये जो शोल्डर इस तरीके से कटिंग हुआ है, आप दाहिने साइड से भी कटिंग करोगे तो ये मार्का जो है आपका बावा पल्ला में चला जाएगा, जो पेस्टिंग में बिल्कुल क्लियर ही दिखाई देता है। इसलिए बटन पट्टी में रखोगे तो यहाँ से फोल्ड होकर सिलाई हो जाता है और फिनिशिंग काम होता है, इसलिए मैंने इस तरीके को भी बताया है। हम सब तरीके से बता देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सेम इस तरीके से हमने ये देखिए कटिंग कर लिया। ये आपका बांवा साइड का कटिंग करके दिखा रहे हैं, दाहिने साइड से भी हम कटिंग करते हैं, जो आपको आसान बुझाए वो कटिंग कर सकते हो। ये देखिए इधर से सिलाई के मार्जिन लेते हुए कटिंग कर देंगे। सिलाई के मार्जिन आप आधा इंच से एक सूत कम ही करें, आधा इंच ना करें, या आप ज़्यादा इधर सिलाई का मार्जिन देना चाहते हैं तो आप आधा इंच भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फ्रंट पल्ला, आगे का पल्ला जो है कटिंग हो चुका है फाइनली, अब इसका बैक पल्ला हम कटिंग करते हैं। ये देखिए बैक पल्ला कटिंग करने के लिए किस तरीके से कपड़ा को फोल्ड करते हैं टोटल देखिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, जो नए लोग हैं वो भी अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। इसको जो है अब कुछ इस तरीके से फोल्ड करें, ये जितना कपड़ा आपका चेस्ट है चेस्ट के अनुसार फोल्ड करें। चेस्ट जो है 26 है, तो ये किनारे पीस को छोड़कर इस तरीके से चेस्ट के अनुसार मार्का लगा लें, तो 6.5 में मेरा 13 26 आ जाएगा। इसके बाद सिलाई के मार्जिन जो दिए हैं 1.5 इंची या सिलाई के मार्जिन आधा इंची, तो ये 18.5 है, ठीक है। तो आप 18.5 पे इस तरीके से मार्का लगा सकते हैं या आधा इंची से कम भी लगा सकते हैं। तो हम 8.5 पे इस तरीके से मार्का लगा लिया। अब इतना ही चौला जो है इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए सेम इसी तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया। आप यहाँ पे इसको इस तरीके से हल्का नाखून लगा लें। ये देखिए नाखून लगाने के बाद इस पर इस तरीके से बिल्कुल आधा इंची कम करके, अगर सियाने के लिए आप कटिंग कर रहे हो तो 1.5 इंच
माइनस करें, और बच्चे के लिए कटिंग कर रहे हैं तो सिर्फ आधा इंच ही इस तरीके से माइनस कर ले। ये देखिए आधा इंच इस तरीके से हमने माइनस कर लिया, परफेक्ट, ये आधा इंच माइनस हो चुका है। उसके बाद ये जो आपका ये जो मार्का दिख रहा है, इसी मार्का पे इस तरीके से आप इस तरीके से मार्का लगा लें, इसको साइड करेंगे और इसको सेम इसी तरीके से मार्का लगा लेंगे। ये देखिए परफेक्ट ये मार्का लग गया। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है टोटल सिलाई का मार्जिन लेकर, तो ये देखिए 7 इंच है, तो ये इस पे जो है 7 इंच को रखेंगे इस तरीके से और ये मार्का लगा देंगे, परफेक्ट हो गया। इसके बाद ये जो आप मार्का देख रहे हो, यहाँ से इसको इस तरीके से रखेंगे हल्का आधा इंच दो सूत बढ़ाकर, और इसको इस तरीके से मार्का कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मार्का कंप्लीट हो गया। अब इसको सेम इसी तरीके से कटिंग कर लेना है, तो ये नीचे से आप जैसा है सेम इसी तरीके से कटिंग कर ले। ये देखिए परफेक्ट, सेम साइड से जो है कोई मार्जिन नहीं देंगे, बिल्कुल सटाते हुए इस तरीके से कटिंग, ये देखिए कटिंग कर लेना है। इसको हम साइड करेंगे और यहाँ से इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे एक नोचिस 20 सेंटर का लगा देंगे, तीरा लगाने में काफ़ी आसान होता है। तो ये मैंने फ्रंट पल्ला बैक पल्ला कटिंग कर लिया। अब कटिंग करेंगे इसका स्लीव्स। प्लेन में आप स्लीव्स कटिंग कर सकते हो पहले, या तीरा के कटिंग करने के बाद ही जो है स्लीव्स कटिंग करने के बाद ही जो है तीरा कटिंग होता है। ये देखिए स्लीव्स को कटिंग करेंगे, परफेक्ट। ये जो मेरा फैब्रिक बचा हुआ है इसको इस तरीके से प्लेन यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। अगर कपड़ा कम है छोटे बच्चे में, तो छोटे बच्चे में ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें एक स्लीव्स कटिंग कर सकते हैं, और ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें स्लीव्स कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए बचे हुए कपड़े में से ही हम स्लीव्स कटिंग करेंगे ताकि अच्छे तरीके से कटिंग हो सके। तो आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर लें, अगर ऐसे में कपड़ा आ रहा है तो ऐसे में स्ट्रेट फोल्ड कर लें, नहीं तो आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं तिरछा। बट इसमें कपड़ा इस कपड़े में स्ट्रेट कटिंग हो जाएगा, तो स्ट्रेट कटिंग काफ़ी बेस्ट होता है। यहाँ से एक सीधा सेक मार्का लगाएंगे, बिल्कुल नीचे की तरफ जो डाउन करेंगे बच्चे में वो करेंगे 2.25 इंच, ओके। इसके बाद इसका जितना लंबाई है, लंबाई जो है स्लीव्स का 19.5 है, तो 19.5 में आप आधा इंची कम करके या 1.25 इंची कम करके मार्का लगा सकते हो। बट ये देखिए हमने 19.5 को इस तरीके से रखते हैं, और यहीं से यहाँ से जो है हम कम कर लेते हैं 1/2 इंच। काफ़ी आसान तरीका है, और इसको इस तरीके से आप मार्का लगा दें, और ये जो हमने डाउन किया है इसको भी इस तरीके से मार्का लगा दें। इसके बाद ये चौथाई भाग जितना आए उतना इस तरीके से मार्का लगा दें 6.5। तो हमने कोई माइनस नहीं किया है उसमें, तो यहाँ भी कोई माइनस नहीं करेंगे, सीने का परफेक्ट ये मार्का लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे जो हमको कफ लगाना है वो लगाना है 8 इंच। तो ये देखिए 4 × 2 = 8 इंच मेरा आ जाएगा। इसके बाद इसमें टेकिंग के लिए आप 1/2 इंच मार्जिन दे सकते हो, जितना टेकिंग रखना है, और ये मार्का इस तरीके से लगा देना। ये देखिए ये रहा मेरा सेब स्केल। सेब स्केल के द्वारा आप इस तरीके से इसको रखेंगे या इधर से रखेंगे और इस मार्का को लगा देंगे, ठीक है। तो आपको इधर से दिख जाएगा मार्का लगाते हुए, तो इस साइड से ही इस तरीके से मार्का लगा देंगे, और यहाँ से डॉट डॉट करके यहाँ से 1 इंच 1.5 इंची बाद से इस तरीके से हम राउंड करेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार का ये मार्का हुआ। अब इधर से सिलाई का मार्जिन छोड़ के हम कटिंग किए हैं, तो इसमें भी सिलाई का मार्जिन छोड़ कर ही कटिंग करेंगे। इस
सिलाई के मार्जिन आधा इंच से एक सूत कम ही हम मार्जिन देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम कटिंग कर लिए। इसको अब क्या करेंगे, सीधा करेंगे इस तरीके से। सीधा करने के बाद यहाँ से आधा से पौन इंच इस तरीके से हम माइनस करते हुए यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक है, ये मेरा जो कम होता है पल्ला ये फ्रंट को जाता है। अब सेम इसी को रखकर दूसरा पल्ला कटिंग कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो तो ये उल्टा है, तो उल्टा को इस तरीके से मार्कर लगा देंगे और सीधा को ऊपर की तरफ इस तरीके से रखेंगे। ये रहा मेरा स्लीव्स, तो ये देखिए सीधा सीधा को एक साइड मिला देंगे। ये सीधा रहा, ये सीधा रहा, तो इसको इस तरीके से मिला देंगे। अब सेम जैसा है वैसा ही कटिंग सेम कर लेंगे। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे नोचिस दोनों साइड में लगा देंगे। देखिए इस साइड से बिल्कुल सेम कटिंग कर लेंगे। इधर से भी सेम कटिंग कर लेंगे बराबर। और सेम यहाँ से भी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो ये ज़्यादा छोटा बच्चा नहीं है, मीडियम साइज के हैं, तो इसमें हम चाक कटिंग करेंगे। और जो काफ़ी छोटा बच्चा होता है उसमें चाक कटिंग नहीं करते हैं। यहाँ से इस तरीके से 4 इंची या 3.5 इंची पे इस तरीके से हम इसको यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं छोटे बच्चे में। तो ये मेरा यहीं पे चाक बन जाता है। बट ये देखिए ये फ्रंट को जाएगा, तो फ्रंट में चाक कटिंग नहीं होता है, बैक साइड में होता है। तो देखिए बैक साइड में हम चाक को कटिंग करेंगे यहाँ से इस तरीके से बिल्कुल बराबर फोल्ड करेंगे। और जो सिलाई का मार्जिन है, सिलाई का मार्जिन आगे की तरफ बढ़ाते हुए यहाँ से इसको ये नाखून लगाएं और यहाँ से डॉट डॉट इस तरीके से एक मार्का को लगाएंगे। इस तरीके से इसको ओपन करेंगे। अब जितना आप चाक ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि 5 इंची करना चाहते हैं 5 इंची भी इस तरीके से मार्का लगा दें, 5.5 करना है 5.5 पर लगा सकते हैं, 6 करना चाहते हैं 6 पर लगा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो सियाने में कट होता है 6 से 5.5। अब बच्चे में जो है 5 इंच कटिंग कर सकते हो। तो ये हमने मार्का लगाया 5 पे और यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर दिए। तो ये परफेक्ट कटिंग हो चुका है। अब इसका जो है तीरा कटिंग करेंगे। तो चलिए तीरा को हम कटिंग करते हैं बेस्ट अच्छे तरीके से। देखिए ये देखिए तीरा कटिंग करेंगे। तीरा कटिंग आप सिंगल भी कटिंग कर सकते हो या आप डबल भी कटिंग कर सकते हो। तो दोनों तीरा हम एक साथ कटिंग कर लेंगे क्योंकि डबल तीरा इसमें लगने वाला है। देखिए यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड करना है परफेक्ट। ये फोल्ड करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से एक नाखून लगा लें, नीचे से एक सीधी सी एक मार्कर लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल किनारी पीस जो है उसको साइड करते हुए इसका 8वां भाग हाइट मार्कर लगता है सीने के हिसाब से। ओके, तो इसका जो सीना है 26 है, 26 में 8 से भाग कैसे दोगे, तो 8 के पारा पर हो गए 8 का 16 24। ठीक है, 26 तो आएगा नहीं, 3 आ रहा है, तो मैक्सिमम 3.25 मान सकते हो। ये देखिए 3.25, इसमें सिलाई के मार्जिन आप 0.25 इंच ऐड कर दें। ये देखिए परफेक्ट 4 इंच आ रहा है, 4 इंच पे इस तरीके से एक मार्का इस तरीके से लगा दें। इसके बाद इसमें जो हम डाउन करेंगे हाला वो 1.25 इंच इस तरीके से हमने डाउन किया। इसके बाद इसका जो देखेंगे कितना है, तो 13 है इसका शोल्डर। ये देखिए 13 है, तो 13 पे इस तरीके से एक मार्का लगा देंगे। इसमें सिलाई का मार्जिन 0.5 इंची ऐड कर देंगे। ओके, इसके बाद इसमें जो हम हाला ऐड करने वाले हैं, फ्रंट पाला में हमने दो सूत कम करके यानी कि
2 इंच का हमने कटिंग किया था। तो इसमें फिक्स जितना आपका पांचवा भाग आएगा उतना इस तरीके से मटका लगा दें, और सियाने में 1.5 इंची माइनस होता है आला, और बच्चे में 1.25 इंच, 1 इंच, परफेक्ट। और यहाँ से इसको इस तरीके से एक सीधा मटका लगा सकते हो, और ये 2 सूत जो इसमें बढ़ा हुआ है यही 2 सूत इधर की तरफ और बढ़ जाएगा। तो ये कैसे बढ़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ये 4 इंच है, 4 इंच को यहाँ से रखेंगे, और शोल्डर हम इसमें 1.5 इंच डाउन किए थे, तो इसमें 2 सूत कम डाउन करेंगे, 1.25 इंच ही डाउन करेंगे। अब यहाँ से इसको इस तरीके से एक मार्का लगा लेना है, इसको इस तरीके से हाला का एक मार्का, ठीक है, लगा लेना है। इसके बाद देखिए ये जो है 2 सूत हमने एक्स्ट्रा जो लगाया है इसको इस तरीके से लगा देंगे, परफेक्ट। ये तिरछा, ये चीज़ जो है परफेक्ट आना चाहिए, जितना ये चीज़ जितना फ्रंट में है उतना ही इसमें भी आना चाहिए, करेक्ट। नहीं तो ऐसे सीधा कटिंग करोगे तो ये 2 सूत कम हो जाएगा, क्योंकि ये फिक्स कटिंग करता है, आगे पल्ला में ये कम कटिंग होता है। आप फिक्स कटिंग करना चाहो तो कर सकते हो, बट हाला अगर एक्स्ट्रा बढ़ गया तो फिर कॉलर सेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है सिलाई के समय। ये देखिए परफेक्ट ये कटिंग हो चुका है। तो शॉर्ट का कटिंग आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग सीख पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक डिस्क्रिप्शन में लिंक है और भी वीडियोज़ का, जाइए क्लिक कीजिए, देखिए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बिल्कुल न्यू चैनल है। तो चलिए इसको चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।